इस वीडियो में भारतीय रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लाल डलहौजी ने। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो 2004 ईस्वी में। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे का। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बांटी गई है? तो 17 जोन में। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में।